ये ईदगाह का देखे गेट है, ये गेट खुला हुआ है यहाँ से, और मैं आपको दिखाती हूँ। देखो ईदगाह की दीवार है, ये सब ईदगाह के अंदर आ गई है। पार्किंग कर दी यहाँ पे, ये कारों की पार्किंग कर दी है यहाँ पे, कारें खड़ी होने लगी हैं यहाँ। ये रोड, ये देखिए ईदगाह का ये जो है ये खुला हुआ है सारा रास्ता इधर का। ये पीछा है ईदगाह का जो है, पीछे का हिस्सा है। और मैं आपको ये दिखाती हूँ, मगरिब की अजान हो गई है तो अंधेरा होने से पहले, लेकिन मैं आपको एक चीज़ दिखाने आई हूँ कि इन लोगों ने बेले जो है ये फिर अंदर ले आए हैं, ये गौशाला बना दिया इसको, बिल्कुल गौशाला बनाने के चक्कर में। ये देखिए, ये देखिए, ये बेले बैठी दिख रही होंगी आपको, बच्चे क्रिकेट खेलते हुए दिख रहे हैं ये सब। ये देखिए, ये गौशाला बना देंगे इसको, कहीं और बना दें इस गौशाला को। ये यहाँ अवैध कब्जा करने की तैयारी है। ये पहले एफआईआर दर्ज करी थी तो वो दीवार बन गई थी, लेकिन अब फिर से ये गौशाला बना देंगे इसको, और पूरी इसमें ईदगाह का पीछे का हिस्सा बिल्कुल कब्जा हो जाएगा मेरे भाइयों। ये देखिए, ये देखिए क्या हो रहा है, ये थोड़ा सा होश में आइए आप लोग, थोड़ा सा ध्यान दीजिए इस चीज़ पे। ये देखिए, मैं ईदगाह दिखा रही हूँ, ये रही, ये ईदगाह की है सारी ज़मीन जितनी भी है, ये ईदगाह की ज़मीन है। यह इस्तमा होता है, इतना बड़ा इस्तमा होता है यहाँ पे, देखिए यहाँ सब इस्तमा होता ही है। ये इन्होंने जो है ना दोबारा से बेले अंदर ले आए हैं, और मेरा जो है आपसे सबसे रिक्वेस्ट है कि ये गेट बंद करा जाए यहाँ से, और यहाँ पे पूरे पे ऊंची ऊंची बाउंड्रियाँ हों। ये देखिए आप देख रहे होंगे,